एक हाफ हो और भंगड़ा ना हो ये तो मुमकिन ही नहीं, और जब बात ढोल की हो तो फिर सिख ना नाचे ये भी मुमकिन नहीं। क्या बच्चे, क्या नौजवान, क्या बूढ़े, भंगड़ा भी खूब डाला। लाहौर अलहमरा हॉल में बैसाखी के त्योहार के हवाले से तकरीब में यात्रियों ने दिल खोल कर खुशी का इजहार भी किया। सिख यात्रियों के चेहरों पर खुशियां तो आया थी। इनका कहना था कि पाकिस्तान इनका दूसरा घर है, पाक सरजमीन पर इनके गुरु पैदा हुए और पाकिस्तान आकर इन्हें दिली सुकून मिलता है। बहुत बढ़िया लगा जी, जैसे पहला बहुत मतलब डर जा ही जब मतलब आप इंडिया से ही पता नहीं किस तरह का की हिसाब किताब है, पर इतने आने के बहुत खुशी हुई है। वैसे तो कितने सफर से जाइए तो दिल करता है एक दिन बाद ही वापस घर जाइए, इतने आके इंज लगा सानू जो अपने घर ही आए हैं। खवातीन यात्रियों का कहना था कि पाकिस्तान एक महफूज मुल्क है, यहाँ आकर किसी भी किस्म की मुश्किल नहीं हुई, हर कोई आजाद घूम फिर रहा है। असी बहुत प्यार करते हैं पाकिस्तान नू, बड़े अच्छे लोग ने, हर पक्षों रिस्पेक्ट हुई है, सानू कोई प्रॉब्लम नहीं आई। लोक फनकार शौकत अली ने जब बाबा बुल्ले शाह और हजरत सुल्तान बाहू का कलाम सुनाया तो फिर पूरे हॉल में समा ही बन गया। यात्रियों ने दिल खोल कर दाद भी दी और इस पर झूमते भी रहे। बैसाखी मेले में सिख यात्रियों ने जहां एक छत तले जमा होकर बैसाखी की खुशियां मनाई, वहीं पाकिस्तानी कौम को अमन का पैगाम भी दिया। सिख यात्रियों ने एक छत तले जमा होकर बैसाखी की खुशियां मनाई, वहीं साथ ही साथ उन्होंने पाकिस्तानी कौम को अमन का पैगाम भी दिया। कैमरामैन अस्कर अली के साथ हफ्सा फयाज़, दुनिया न्यूज़, लाहौर।